बुंदेलखंड की अनोखी परंपराएं ही बुंदेलखंड की पहचान है। बदलते समय के अनुसार इंसान बदल जाता है और परंपराएं पीछे छूट जाती हैं। या यूं कहें कि आज की पीढ़ी पुरानी परंपराओं को रूढ़िवादी या तकियानुसी परंपरा का नाम देकर निभाना ही नहीं चाहती, मगर रजौली गांव में 400 साल से चली आ रही परंपरा आज भी निभाई जा रही है और इस परंपरा को निभाने के लिए पूरा गाँव एकजुट होता है, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। जितना अनूठा बुंदेलखंड अंचल है, उतनी ही अनूठी यहाँ की परंपराएं हैं। इन परंपराओं में इंसान का ही नहीं, जानवरों तक का ख्याल रखा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि खेत में गाय घुस कर फसल खा लें तो विवाद हो जाते हैं, मगर आपने ये नहीं सुना होगा कि खुद ही लहराती हुई फसलों को खाने के लिए गाँव के लोग गाय खेत में छोड़ दें। जी हाँ, ये सच है और ऐसा होता है। सुर्खी विधानसभा के रजौली गाँव में 400 साल से चली आ रही इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। सारे देश में गौरक्षा, गौ संरक्षण संवर्धन को लेकर तमाम वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड अंचल में गौवंश सैकड़ों सालों से श्रद्धा का पात्र बन रहा है। गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, गौ सेवा की परंपरा है गौ भोज। फसलों में जानवरों को घुसने को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वाद विवाद के किस्से अक्सर सुनने में आते हैं, लेकिन सागर जिले के गांव में एक दिन के लिए सारे जानवरों को इकट्ठा कर हरे भरे खेतों में छोड़ दिया जाता है और इसी परंपरा का नाम है गौ भोज। यह परंपरा लगभग 400 से अधिक वर्षों से जारी है। इस परंपरा के बारे में ग्रामीणों की मान्यता है कि इससे उनकी फसलों को लाभ होता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरे भरे खेतों में भागते दौड़ते और चरते हुए जानवरों के झुंडों को। यह नजारा है सागर जिले के राहतगढ़ तहसील के रजौली गांव का। यह जानवर गौ भोज में हिस्सा ले रहे हैं। इस परंपरा के आयोजक भगवान सिंह लोधी बताते हैं कि वर्षों पहले इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब बुजुर्गों ने गाय को नियंत्रण कर उनको भोज कराया था। तब से यह परंपरा निरंतर जारी है। यह 400 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसका आयोजन पोषी अमावस्या के दिन किया जाता है और ग्रामीणों का मानना है कि इससे उनकी फसलों को फायदा होता है। ये 400 साल की लगभग है ये परंपरा और ये कमतरती चली आ रही है। एक समय ऐसा हुआ था कि फसल खड़ी थी, वो बर्बाद होती थी गोलों से, तो उस समय पूरे गाँव की जो गौ है उसको यहाँ निमंत्रित किया गया था, तो निरंतर उस समय से चलती आ रही है और आज भी निरंतर चल रही है। निरंतर ये है कि अब श्रद्धा के अनुसार हम लोग गौ माता का वो देखते हैं, ये श्रद्धा है। पोषी अमावस्या तो लगभग ये 24-25 तारीख को पड़ती है दिसंबर में, ये 23-22-23 तरह से आती है और निरंतर चल रही है। और हमारे गाँव में पहला है मध्यप्रदेश शासन कोई मंत्री इस समय मौजूद है, वो आज इस कार्यक्रम में पधारे है। यहाँ प्रतिवर्ष पोषी अमावस्या के दिन श्रद्धा के साथ गौ माता भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें गाय पूजन के साथ गायों को खड़ी फसलों में चरने व विचरण करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। पूरे गांव की गायें इस दिन कहीं पर भी खेतों में जाकर स्वच्छंद रूप से विचरण करती हैं, चरती हैं। इस दिन कोई रोक टोक नहीं होती है। सभी ग्रामीण जन गौ माता भोज को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के आशीष से फसलों की अच्छी पैदावार होती है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री राजपूत ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने गांव रजौली वासियों की गौ भोज योजना के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि गौ के प्रति श्रद्धा कैसे रखी जा सकती है, दूसरे अन्य लोग रजौली वासियों से सीख सकते हैं। गौ भोज कार्यक्रम है और आज के दिन जितनी भी क्षेत्र की गायें हैं इन गायों के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो खड़ी हुई फसल में घुसकर जितना उनको खाना है, जितना चरना है, आज के दिन वो फ्री रहती है। मैं समझता हूँ ये परंपरा इस गांव में, रजौली गांव में जो कि सुर्खी विधानसभा में आता है, कि 400 साल से इस पर्व को मनाया जाता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार का पर्व शायद ही कहीं मध्य प्रदेश में मनाया जाता हो। आज के जमाने में एक भी जानवर अगर घुस जाता है तो लोग उसको मार मार के बाहर भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों की ये परंपरा बहुत ही सराहनीय है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक,
गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।